हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट हु क्रिएटेड द कॉटन मिल्स। इधर पे हमसे पूछ रहा है कॉटन मिल का किसने एस्टेब्लिशमेंट किया था, किसने इसे क्रिएट किया था। हमें इधर पे चार ऑप्शन दिया गया है, हम उन चार ऑप्शन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन बोल रहा है रिचर्ड आर्कराइट। सेकेंड नंबर ऑप्शन इज जेम्स हारग्रीव्स। थर्ड नंबर ऑप्शन इज ईटी पॉल। एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन इज थॉमस एडिसन। इन चार में से हमें अपना करेक्ट आंसर जानना है। उससे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉटन मिल। कॉटन मिल के बारे में हमें इधर पे देखना है किसने एस्टेब्लिश किया। चलिए तो हम कुछ पॉइंट के थ्रू देखते हैं आखिर किसने एस्टेब्लिशमेंट किया, उनका बैकग्राउंड क्या है, और फिर लास्ट में हम अपना करेक्ट आंसर जानेंगे। तो इधर पे बता रहा है सर रिचर्ड आर्कराइट वॉज एन इंग्लिश इन्वेंटर एंड अ लीडिंग एंटरप्रेन्योर ड्यूरिंग दी अर्ली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। यह जो थे सर रिचर्ड आर्कराइट, यह थे एक इंग्लिश इन्वेडर थे, ठीक है, और यह जो थे यह एक एंटरप्रेन्योर थे ड्यूरिंग दी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय यह मतलब एक एंटरप्रेन्योर टाइप से थे, ये एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे चीजों का जगह जगह अलग अलग कंट्रियों में, जैसे कि इंडिया में भी कॉटन मिल्स का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, और जहाँ के इंग्लैंड के थे ये, तो इंग्लैंड में भी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था। कुछ इस तरीके से इन्होंने एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्ट किया था, खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। एंटरप्रेन्योर का मतलब ऐसा कहा जाता है। तो हम अपना करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर है रिचर्ड आर्कराइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।